नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करुछु माधुरी प्रथम हेडलाइंस जनजाति गौरव दिवस रूपे पालित हला भगवान बिरसा मुंडा जयंती बिरसा मुंडा त्याग और बलिदान को मने पकाइले प्रधानमंत्री आदिवासी जनजाति को अवहेला नहीं पूर्व सरकार को कले समालोचना सेपटे झारखंड में बिरसा मुंडा म्यूजियम कले उद्घाटन रानी कमलापति स्टेशन उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी देशर प्रथम विश्वस्तरीय मॉडल स्टेशन यात्रियों अंतरराष्ट्रीय विमानबंदर परी सुविधा उपलब्ध गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य संगमर दिन कहले मोदी दिल्ली प्रदूषण को नहीं एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एवं केंद्र सरकार देले गुरुत्वपूर्ण निर्देश 24 घंटा भितर पांचटी कारण उपरे पदक्षेप नेबाक निर्देश सेपटे प्रदूषण नियंत्रण में विफलता जो दिल्ली सरकार को टार्गेट कला बीजेपी केरल में दुर्वृत्तों नारकीय कांच आरएसएस कर्मी को चाकू मारी कले हत्या देहरे 50 रु अधिक क्षत चिन्ह हत्या इस्लामिक संगठन पीएफआई राजनैतिक शाखा एसडीएफआई हाथ अभियोग आणला बीजेपी काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा प्रतिमार प्राण प्रतिष्ठा आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 108 वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी उद्यम भारत फेरी मां प्रतिमा आसिया संपूर्ण खबर को आदिवासी संप्रदायर महान नेता भगवान बिरसा मुंडा जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस रूपे सारा देश में पालन मध्यप्रदेश भोपाल मांडरी मैदान जनजातीय गौरव दिवस अवसर में जनजातिर लोक संबोधन कर देश गठन में सेमानकर अवदान को स्मरण कर प्रधानमंत्री पूर्व सरकार आदिवासी अवदान को अणदेखा करजर राजनैतिक स्वार्थपी जनजातिर लोक आवश्यकता मुताबक सहायता मिल पूर्व सरकार को कड़ा समालोचना कर प्रधानमंत्री यहसह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम झारखंड रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान तथा स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय उद्घाटन करते आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन मिजो आंदोलन कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं। हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं। भाई और बहनों, आज जब मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं। भोपाल रे रानी कमलापति स्टेशन उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य रे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देशर प्रथम विश्वस्तरीय मॉडल स्टेशन जेउठारे यात्री मानकु अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रे मिलुथिबा समस्त सुविधा उपलब्ध हेबो। ए स्टेशन को पब्लिक एवं प्राइवेट पार्टनरशिप रे विकसित करा जायछे। रानी कमलापति स्टेशन योजना रे 450 कोटी टंका खर्च होईछे। उद्घाटनी समारोह रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदे
प्रधानमंत्री मोदी सबुज पताका देखाई यार उद्घाटन करथिले। ए अवसर रे कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिथिले आज दिन सारा देश पई गौरवपूर्ण इतिहास एवं वैभवशाली भविष्यर संगमर दिन। एक ऐतिहासिक स्टेशन पुनर्विकसित होइना ही बरं किन्नौरगढ़र राणी कमलापति ना यहाँ जोड़ी हेपा यार महत्व को अधिक बढ़ाई देछि। सूचना योग्य जे पूर्वर यह रेलवे स्टेशन ना हबीबगंज स्टेशन थिला जहाँ को राणी कमलापति ना रे वर्तमान नामित करा जाय छे। इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। मुहूर्त थिला भोपाल रे जनजातीय गौरवर दिवस एवं अवसर रे आयोजित एक कार्यक्रम मंच में उपस्थित थिले बीजेपी सबुठारु वयोज्येष्ठ नेता 104 वर्षर लक्ष्मी नारायण गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी मंच में पहुंचा पर नानाजी को देखी अत्यंत खुशी होते। लक्ष्मी नारायण गुप्ता नानाजी नारे परिचित। लक्ष्मी नारायण पाख को जाई कथा होते मोदी यहसह आशीर्वाद नहीं कार्यक्रम आरंभ करते। नानाजी खुशी हो प्रधानमंत्री को अभिवादन जनाते। बीजेपी पक्ष वर्तमान कमल पुरुष अभियान जारी रही। अनुजाई दलपाई निजर जीवन समर्पित करता सम्मानित कर लक्ष्मी नारायण गुप्ता वीर सावरकर श्याम प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही पांच थर विधायक और दुई थर कैबिनेट मंत्री रही। नानाजी 104 वर्ष बयस आज भी दलपाई समर्पित। लगातार अनेक दिन धरी अति चिंताजनक स्थित रही दिल्ली वायु प्रदूषण। प्रदूषण जो वायुर मान बा एयर क्वालिटी बढ़ाऊ स्वास्थ्य समस्या। दिनर अनेक समय जाए अल्प दूर वस्तु दृश्यमान हो लगातार खराब अवस्था रोकवा वायुर मान नहीं चिंता व्यक्त कर दिल्ली बासिंदा। मास्क वगैरह पहनना चाहिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, अपने अपने व्हीकल की जगह थोड़े से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, या अननेसेसरी विजिट्स जो हैं जो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। अभी एक दो महीना तो खाली जहाँ ज़रूरी है वहीं जाएं और थोड़ा सा डस्ट वगैरह को कम फैलाएं, अपना जहाँ डस्ट है इकट्ठा करके एक तरफ को जो है, या MCD वगैरह जो भी हैं थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सब सपोर्ट एक दूसरे का करें। अब आजकल तो हर एक को इतना ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में जलन होने लगती है, बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है बाहर ना निकलें, लेकिन घर में बैठ के भी सफोकेशन होती है तो बाहर निकलना भी ज़रूरी है, थोड़ा फिजिकल होना ही चाहिए। तो बहुत बार तो हम आते हैं वापस चले जाते हैं, इतना लगता है हर जगह धुआं धुआं फैला हुआ है। कितना भी मास्क लगा लें लेकिन आँखों में तो जलन होती ही है, आँखें तो बंद करके नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। हम तो मास्क ही लगा सकते हैं या व्हीकल्स कम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। लगातार खराब अवस्था रे थिबा दिल्ली प्रदूषण को नहीं एबे एक्शन मोड रे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार को देइछंती गुरुत्वपूर्ण निर्देश। प्रदूषण सृष्टि करथिबा पांचटी कारण को नियंत्रण करबा पई आगामी 24 घंटा मध्यरे पदक्षेप नेबा को निर्देश देइछंती। निर्माण काम
पावर प्लांट शिल्प परिवहन एवं ट्राफिक भली समस्या प्रदूषण बढ़ाउथिबारु ताहा नियंत्रण करिबा पई आसंता बुधवार सकाल सुधा आक्शन प्लान कोर्ट आगे उपस्थापित करने को कहा जाए छे। यहाँ परे मान्यवर कोर्ट परवर्ती सुनानी आरंभ करिबे। केतेक पड़ोसी राज्य में नड़ा चालिबा जोगु हेउथिबा प्रदूषण 10% हेले मध्य सेही सबु राज्य एवं दिल्ली सरकार को डाके मंगलवार दिन एक जरूरीकालीन बैठक करने को केन्द्र सरकार को परामर्श देते सुप्रीम कोर्ट। यह सहित दिल्ली में थिबा केन्द्र सरकार को कार्यालय कर्मचारी को घर ऑफिस काम करने कोर्ट परामर्श देते। यह सहित कृषक माने जेपरी नड़ा न चलिबे सेथिपाई मध्य पदक्षेप नेबा को कहा जाय छे। दिल्लीर वायु प्रदूषण केवल एवं दिल्ली सहर मध्य सीमित रही ना यार आखपाख राज्य एवं सहर को मध्य प्रभावित कर प्रदूषण किछि दिन धरी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली एनसीआर अंचल अधीन गाजियाबाद सहर में मध्य वायु प्रदूषण पहुंची चिंताजनक स्थिति रे। प्रदूषण जो स्थानीय अधिवासी स्वास्थ्य समस्या भोगुथिबार अभियोग आनी इतनी दिक्कत है। मैं 4 बजे उठता हूँ जब सुबह को तो आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी और चाहे कितना भी कपड़ा आपने मास्क लगा लिया फिर भी यही हालत रहता और जब 6 बजे और ज़्यादा हो जाता मतलब बढ़ता चला जाता और फिर 8-9 बजे के बाद में कुछ घटता और आंखों में जलन परेशानी सांस लेने में खांसी जैसे दम तक उठ रहा इस टाइप से होता और गाजीपुर से लौटता हूँ जब परेशानी पड़ती जाता हूँ जब परेशानी पड़ती यही जलन सी होती है आँखों में। कितना ही हेलमेट लगा लो कुछ भी लगा लो बहुत परेशानी इतनी है कि बहुत ही ज्यादा परेशानी है। समय ही जगह छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर खूब शीघ्र करूछ। ब्रेक पर स्वागत। जेएनयू रे वामपंथी छात्रों को दादागिरी दिल्ली जेएनयू रो एक्टिविटी हॉल रे एक बैठक को केंद्र करे वामपंथी समर्थित छात्र गोष्ठी एवीपी रो छात्र छात्री को आक्रमण करिछन्ते। एथिरे अनेक छात्र आहत होइतिबार जणा पडिछि। गुरुतर आहत छात्र छात्री को एम्स रे चिकित्सित करा जाउछि। तबे मिलिथिबा सूचना अनुसार नवंबर 14 तारीख दिन छात्र संगठन एवीपी रो किछि विद्यार्थी को बैठक आयोजन करिथिबा बळे सेमानकु बाधा देइथिले वामपंथी समर्थित छात्र संघ आयसा एवं एसएफआई बाधा देवा सहित माड़गोल एवं गुंडागर्दी आरंभ करते। एवीपी अनेक छात्र छात्री आहत होती एपरिक दिव्यांग छात्र छात्री को मध्य छाड़ी नथिले गुंडागर्दी कर वामपंथी छात्र माने कैंपस छात्र असंतोष देखाई दोषी कड़ा कार्यानुष्ठान दावी करी एवीपी। कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो रूटीन बैठक होता है संडे को वो चल रहा था स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पे। वो लोग 9:45 के करीब आए लेफ्ट के लोग थे और बोले कि तुम लोग बैठक कैसे करो हमसे अनुमति क्यों नहीं ली। हमने बोला ऑलरेडी हमने जिसे अनुमति लेना था ले लिया था। बोले कि उसके बाद वो लोग नारेबाजी की उसके बाद में जो लोग करते हैं शुरू से वो की उसके बाद से अचानक हम लोगों पर टारगेट करके हमला कर दिया और हमें बुरी तरह चोट आई। हम और हमारे 2-3-4-7-8-10 लोग और हैं महिलाओं को भी मारा गया। बड़ी बेरहमी से लोग मारते हैं वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमें बच गया है तो हमको जान से मारने की टारगेट थी। वो कितने लोग थे और वो लोग 100 की संख्या में थी। हम लोग 20-30 की संख्या में जो बैठक का एक शेड्यूल मेरा होता है वो था और वो 50-100 की संख्या में थे अचानक आए और हम पे हमला कर दिया। लोग लेफ्ट के लोग थे। हाँ हमने बसंतपुर थाने में कंप्लेंट कर दिया इसके खिलाफ और हम प्रशासन से मांग भी करते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और लोग सुरक्षा मुहैया कराए क्योंकि हम लोग आगे भी हमलाएं की संभावना बनी हम लोग बहुत डरे हुए। कल हम लोगों की एक साप्ताहिक मीटिंग जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जो यहाँ का है उसमें हम लोग आयोजित किए थे। हम लोग अपनी मीटिंग प्रारंभ कर दिए थे। लेफ्ट के लोग आईसा एसएफआई डीएसएफ के लोग आते हैं वो बाहर से घुसते हैं ढपली नारा लगाते हुए एबीपी मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस एबीपी की कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पर इस तरह के नारे लगाते हुए तो हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप बोलते हैं कि हमारा रूम है हमारे काउंसलर हैं हमारा प्रेसिडेंट है हम इस यूनियन में हैं तो आप इस रूम में मीटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं 1 घंटे की मीटिंग है हमारा 12 काउंसलर उसी यूनियन में 12 काउंसलर इलेक्टेड है हमारे भी हम उनके बेसिस रूम में बैठे हैं और हमको 1 घंटे की मीटिंग करनी थी आप उसके बाद जो भी रूम में जितना भी मीटिंग करना आप कर सकते हैं लेकिन वो मानते नहीं गाली गलौज करते हैं बाहर से हम लोगों को प्रेशराइज करना अंदर
शुरू कर देते हैं, धकेलना शुरू कर देते हैं, हम लोग कॉर्नर होते हैं, उसका नए छात्रों को गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं फेल कर दिया जाएगा, विकलांग छात्र, हैंडीकैप छात्र, दिव्यांग छात्रा है उसके साथ बोलते हैं कि आपको जो है, छात्राएं बोलती हैं आपको हरासमेंट का केस लगाया जाएगा, सब डरे समय से निकलने भागना शुरू करते हैं, अब से एक मिलता है बाहर उसको अभी कि इसका हाथ टूटा, उसको जो है वहाँ धक्का दे देते हैं, उसके सिर पर चोट लगी, हाथ पर चोट लगी। अब देखेंगे हम जो कैंपस में लगातार होता आ रहा है, विवेकानंद जी की मूर्ति को वैंडलाइज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को वैंडलाइज किया गया, लोग अपने यहाँ जब पिछले साल जो है लाइब्रेरी, हॉस्टल और रीडिंग रूम्स को बंद करके दो से तीन महीने रखा गया, उसके बाद नए जब छात्र एडमिशन जब रजिस्ट्रेशन का टाइम या रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किए, उसके बाद जो उनसे मारपीट की गई, तो हम इस पूरी घटना का जो है कंप्लेन कर चुके हैं पुलिस में, आज प्रशासन में करेंगे, और MLC भी बन गई है, तो हम प्रशासन से अपना रिक्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। केरल रे दुर्वृत्त मानक नारकीय कांड राज्यर पलकड़े आरएसएस जे स्वयं सेवक को निर्मम भाव हत्या कर दुर्वृत्त 27 वर्षीय संजीत को पत्नी आगे बारंबार चाकू मारी हत्या कर निज पत्नी को अफिस् छाड़ को जवाबे दुर्वृत्त मैंने हत्याकांड घटाई हत्याकांड एत नृशंस संजीत देहरे 50 अधिक चाकूर क्षत चिन्ह रही संजीत हत्या पचर इस्लामिक संगठन पपुलार फ्रंट अफ इंडिया PFIर राजनैतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्मी भूमिका थिबा पुलिस संदेह करुछे सेपटे आरएसएस कर्मी हत्या घटना को निंदा करिछे बीजेपी राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुरेन्द्रन एहाकु सुनियोजित हत्या कहिबा सह केरल सरकार हत्याकारी को सुरक्षा देउथिबा अभियोग करिछन्ते। नवेम्बर 16-19 जाए हिमाचल प्रदेश सिमला ठारे अनुष्ठित होगा जाए सर्वभारतीय विधानसभा बाचस्पति सम्मेलन नवेम्बर 17 दिन वर्चुअल मोड्रे सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज को 100 वर्ष तले 1921 सिमला रे एपरी ऐतिहासिक सम्मेलन अनुष्ठित होता ए बाबद सविशेष सूचना देखते लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन आयोजित होते रहे एक अच्छी परंपरा है। 1921 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी शिमला से और 16, 17, 18 को फिर से शिमला के अंदर इस अधिवेशन का शताब्दी वर्ष पूरा कर रहे हैं। वर्तमान खेल संपर्कित खबर पर नजर पकाएबा हॉकी रे ओडिशा पई गर्व साउथ अफ्रीका रे पाकुथिबा 2021 जूनियर महिला हॉकी विश्वकप पई भारतीय दल घोषणा होई एथिरे ओडिशा तथा सुंदरगढ़ जिला रो जीवन किशोरी टप्पो व अजमिना कुजर भारतीय दल रे स्थान पाई उभय खिलाड़ी को विभिन्न महलर शुभेच्छार सुअ छुटुछे। नवेम्बर 24 डिसेंबर 5 जाए भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे खेला जूनियर हॉकी विश्वकप टोक्यो ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य विवेक सागर प्रसाद एही भारतीय दलर नेतृत्व नेउथबा पळे 18 जणिया दल रे शामिल होउछन्ते 3 ओडिया। नवेम्बर 24 डिसेंबर 5 जाए भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे खेला जूनियर हॉकी विश्वकप टोकियो ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य विवेक सागर प्रसाद एही भारतीय दलर नेतृत्व नेउथबा बेले 18 जणिया दल रे शामिल होइछंती 3 ओडिया। कलिंग स्टेडियम रे जूनियर हॉकी महाकुंभ विरोधंकु मात देबाकु प्रस्तुत हेउछि डिफेंडिंग चैंपियन भारत चलित वर्ष जूनियर विश्वकप पई घोषणा होइथिबा दल रे स्थान पाइछंती 3 जण ओडिया खेलाड़ी। एही 3 जण खेलाड़ी हेउछंती सुदीप चिरमाको अभिषेक लाक्रा और सुनील जोजो। होम ग्राउंड रे पुणि थरे चंपियन हेबाकु आशा रखिछि भारत चलित थर 3 ओडिया खेलाड़ी नजर रे रहिबे 3 ओडिया खेलाड़ी को मध्यरे सबुठारु चर्चा रे सुदीप चिरमाको फॉरवर्ड भाबे खेलुथिबाय खेलाड़ी जूनियर ओलंपिक रौप्य पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य सेहिभली अन्य जणे ओडिया खेलाड़ी अभिषेक लाक्रा डिफेंडर भाबे दलरे खेलिथांति विगत दिनरे अनेक डिफेंडर खेलाड़ी ओडिशारु बाहरी हॉकी रे भारतकु प्रतिनिधित्व करिछन्ति अन्य जने खेलाड़ी सुनील जोजो डिफेंडर कम मिडफिल्डर भावे दल रे खेली थांती। ए जूनियर विश्वकप रे टीम रो नेतृत्व नेउछंती
टोकियो ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य विवेक सागर प्रसाद विवेक सीनियर टीम रे खेलिबार अभिज्ञता जूनियर कैंप रे बेस सहायक हेबो। 2016 रे लखनऊ रे जो सफलता भारतीय खेलाड़ी हासिल करथिले भुवनेश्वर रे सेही सफलता हासिल करिवे बोली आम समस्त आस्था। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भारतीय जूनियर टीम आसी पहुंचे सारी भुवनेश्वर आसंता नवेम्बर 24 रे फ्रांस सहित अच्छी प्रथम मैच तेज किभली रही टीम इंडिया प्रस्तुति से नहीं जूनियर टीम रो फॉरवर्ड प्लेयर मनिंदर सिंह अधिक आलोचना करिछंते हम प्रतिनिधि विकास। मनिंदर सिंह आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब आपको जब ये न्यूज मिला कि आपका नाम टीम इंडिया में सिलेक्ट हुआ है जूनियर में, तो पहला रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, बहुत बड़ी बात होती है जब कभी भी है ना किसी प्लेयर को पता लगता है कि उसका वर्ल्ड कप में नाम आया, तो वैसे ही मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज सिलेक्टिंग एन इंटरनेशनल टीम फॉर अ वर्ल्ड कप। तो यस सर, ये बड़ी बात थी मेरे लिए बहुत ज्यादा। जी, अभी मतलब भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप हॉकी हो रहा है, तो आप अभी ट्रेनिंग के लिए भुवनेश्वर आ चुके हैं? हाँ जी सर, हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। जी, तो मतलब मनिंदर जी, आप हॉकी में कैसे इंटरेस्ट आया, स्कूल के टाइम से या बचपन से ही? एक्चुअली सर, मेरा बड़े भाई थे हैं, वो अभी खेलते थे पहले, तो वो खेलते थे, उनको देख के सर मैं उनके साथ ग्राउंड जाने लगा। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना मैं उनको देखता था, तो धीरे धीरे धीरे। अस्य परवर्ती खबर को वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में 108 वर्ष पर कानाडार फेरी माँ अन्नपूर्णा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति उत्तर प्रदेश 18 जिला काशी पहुंची। समय सारी बुलेटिन को ये रखुचु, नमस्कार।